कोबरा क्या करेगा, मगर गर्दन काटेंगे साहब, टोटे टोटे करेंगे। ये 18-18 ग्रेनेड इनके ऐसे अलक में ठोक दे कि पाकिस्तान को याद आ जाए। सुपर हीरोज वो कैरेक्टर्स नहीं जो तुम लोग देखते हो, सुपर हीरोज तो वो हैं जो इन चोटियों पे आकर के जिन्होंने दिखा दिया कि असंभव कार्य को संभव कैसे किया जाता है। नवजात शिशुओं को उनकी माताएं ला रही हैं और उस पार्थिव शरीर के पैरों को से उनके माथे को टच करा रही हैं। हाल उस समय ये था कि फूलों की सब दुकानों से और सारे मंदिरों के बाहर से एक एक फूल ख़त्म हो गया था। लोग फूल ढूंढ रहे थे कि मैं भी दो पुष्प मुझे मिल जाएं तो मैं इनके जो पार्थिव शरीर है उस पर मैं इसको चढ़ा सकूं। जब कैप्टन मनोज पांडे शहीद होने के बाद जब उनका पार्थिव शरीर हमारे शहर लखनऊ में आया, ये एक ऐसा दृश्य था कि मैं समझता हूं कि वीरता की गाथा कारगिल की इन चोटियों से होती हुई लखनऊ पहुंची थी। 8 जुलाई को जब उनका पार्थिव शरीर, जब उनकी शव यात्रा हमारे घर से निकलनी थी, तो वो एक ऐसा दृश्य था जिसने ये बताया कि व्यक्ति कैसे अमर कहलाता है। जब लखनऊ में चारों तरफ ये नारे गूंज रहे थे कि कैप्टन मनोज पांडे अमर रहें अमर रहें, और ये नारे गूंज रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा मनोज तेरा नाम रहेगा, वो दृश्य जो मैंने देखे, जो मैंने महसूस किया, आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। 10 से 15 लाख की भीड़ का वो जनसैलाब लखनऊ और उसके आसपास के जिलों से आए हुए अनगिनत लोग, फोन की घंटियां जब बंद नहीं हो रही थी और प्रश्न सिर्फ एक होता था कि पार्थिव शरीर कितने बजे आएगा और ये शव यात्रा कितने बजे यहां से निकले थी, हर व्यक्ति के मन में जब सिर्फ एक बात होती थी कि मैं इस यात्रा में शामिल हो पाऊं, मैं किसी तरह से ये वाहन सेना का जो निकल रहा है किसी तरह से मैं इसको छू पाऊं, मैं इसके दर्शन कर पाऊं, मैं स्वयं उसका साक्षी रहा। घरों पर मैंने देखे, घरों की छतों पर, एक एक छत पर मैंने सैकड़ों लोगों को देखा कि देखने में डर लग रहा था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं ये छत टूट करके गिर ना जाए। वो जनसैलाब जो लखनऊ में किसी ने सोचा नहीं था, कभी ऐसी कल्पना नहीं की गई थी, इस तरह का जनसैलाब लखनऊ में हम लोग उसके साक्षी बने। वो दृश्य देखे कि नवजात शिशुओं को उनकी माताएं ला रही हैं और उस पार्थिव शरीर के पैरों को से उनके माथे को टच करा रही हैं। वो दृश्य भी देखे कि पब्लिक या जनता जनमानस जो वहाँ पे सैलाब था वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लोग चल रहे हैं बस, लोग भीड़ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, लोग वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं जहाँ पे वो बैकुंठ धाम जो नदी के इस तरफ है। वो दृश्य भी देखा कि नदी के दूसरी तरफ भी जहाँ से उनको दूर से कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे 2 से 3 लाख की भीड़ में लोग खड़े हुए हैं, वहाँ से मनोज पांडे अमर रहे के नारे उस पार से हमको इस पार सुनाई दे रहे हैं। वो जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सिर्फ इस बात को, इस एहसास को पूरा करने के लिए कि हम किसी तरह से उसमें शामिल हो पाएं, हम किसी तरह से वहां पे पहुंच पाएं। ये होती है अमरता, ये है कैप्टन मनोज पांडे की अमरता, कैप्टन विक्रम बत्रा की अमरता, चाहे वो कैप्टन सुमित राय हो, चाहे वो कैप्टन हनीफुद्दीन हो। मैं समझता हूँ सभी के जो उनका घर जहाँ रहा होगा, जहाँ उनका टाउन रहा होगा, वहाँ पे ये सीन लगभग एक समान ही रहा होगा। उस दृश्य को देख करके मैं आज भी, मेरी रूह अंदर से कांप जाती है। आपको बताएं
कि पूरे लखनऊ में हाल उस समय ये था कि फूलों की सब दुकानों से और सारे मंदिरों के बाहर से एक एक फूल खत्म हो गया था। लोग फूल ढूंढ रहे थे कि मैं भी दो पुष्प मुझे मिल जाएं तो मैं इनके जो पार्थिव शरीर है उस पर मैं इसको चढ़ा सकूं। ऐसे वीरों के प्रति, ऐसे शूर वीरों के प्रति जिनकी गाथाएं हम कारगिल से लेकर के और उनके होम टाउन तक और इस पूरे देश में विभिन्न अवसरों पर सुनते हैं, मैं श्रद्धानत हूं। इसके अलावा इस बार मेरा यह प्रयास भी है कि मैं उस पॉइंट पे भी जाऊं जहां पर ये बटालिक का इतना वीरतापूर्ण कार्य कैप्टन मनोज पांडे ने किया, और इसलिए भी मैं इस बार सपरिवार अपने बच्चों के साथ भी आया और मैंने कहा कि तुम चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सुपर हीरोज कैसे होते हैं। सुपर हीरोज वो कैरेक्टर्स नहीं जो तुम लोग देखते हो, सुपर हीरोज तो वो हैं जो इन चोटियों पर आकर के जिन्होंने दिखा दिया कि असंभव कार्य को संभव कैसे किया जाता है। सुपर हीरोज ये हमारे गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं जो हमारे सामने आज यूनिफॉर्म में यहाँ पर उपस्थित हैं। आज जो 24 साल पहले मेरे साथी जब इस दराज के सेक्टर से निकलते समय खुदान खास्ता ऐसे टकराते थे ना कंधे, जब चिंगारी पैदा होती थी, वो आज इस भूमि को छोड़ के चले गए। लेकिन मेरी आत्मा ये कहती है छोड़ने वाले नहीं है वो जिद्दी सिपाही थे, वो यहीं भटक रहे, वो यहीं फूलों के अंदर खुशबू दे रहे हमारे को। आज उन सभी सिपाहियों को और उनके परिवारों को इस छोटे से सिपाही का जय हिंद। दोस्तों, मौत तो डेली मरते यारो, मौत ऐसी मरो जिसको पहाड़िया याद करे यारो, जिनको पहाड़ियों के नाम से जाना जाए यारो। भाई विक्रम बत्रा साहब, मनोज पांडे, मेरे साथी योगेंद्र यादव, संजय, ये इन्होंने इतना अच्छा अच्छा काम किया है तो आज हमारे को बुला करके हम गदगद हो गए। देश का हर सिपाही खुशी मनाता है कि उसको युद्ध भूमि की इच्छा मिले। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा मेडल शाबाशी होता है, इससे बड़ा मेडल कोई नहीं है दुनिया में। मेरे जनरल साहब ने, मेरे सीओ साहब कर्नल एम बी रविंद्रनाथ ने, जब मैं तोलोलिंग ऊपर गया ना, तो उन्होंने एक बात कही थी कि शाबाश बेटा दिगेंदर, शाबाश। आज वो दिन याद है मुझे, 24 साल पहले, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। दुख इस बात का है मुझे कि उन्होंने यह कहा था कि शाबाश बेटे, शाबाश, इससे बड़ी तो मेडल कोई हो नहीं सकता मेरी नॉलेज में। और ये बात ये कि जब लड़ाई का मौका जिस सिपाही को मिलता है और मौके को वो अच्छी तरह से कामयाब करता है, वो सिपाही पूजनीय होता है। आज 527 जो वीर वीरांगना आज देश के कोने कोने से विजय दिवस 24 मनाने जा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि ये तोलोलिंग जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, उस पर सिपाही का हाथ से वो तिरंगा झंडा फहराया था मैंने। मैं उस टू राजदेव का छोटा सा सिपाही हूं जो फर्स्ट विक्ट्री ऑफ कारगिल वार, जिसमें जनरल मलिक साहब ने कहा था कि टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार। और मेरे को सबसे बड़ी खुशी है कि आज जो मेरे साथ में लड़ने वाले थे तो वो दो वीर चक्कर तो मेरे साथ में, ब्रिगेडियर मोहित सक्सेना साहब वीर चक्रा, जो आज उस दिन कह रहा था कोबरा क्या करेगा, मगर गर्दन काटेंगे साहब, टोटे टोटे करेंगे। वीर चक्कर जयराम सिंह जो मेरे गांव के ही है, जो मेरे साथ में थे। और यशवीर सिंह, सीएचएम यशवीर सिंह, वो बोलता है दिगेंदर ये 18-18 ग्रेनेड इनके ऐसे अलक में ठोक दे कि पाकिस्तान को याद आ जाए। मैं उस वीर बटालियन का एक सिपाही हूं जिसने युद्ध के अंदर कभी हार का मुंह नहीं देखा। हालांकि भारतीय सेना हमारी इतनी मजबूत है, जहां भी जाते हैं वहां इतनी खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अपनी वीरता की बात कुछ नहीं बताऊंगा आज मैं कि मैंने क्या कद्दू में तीर मारा, नहीं, वो तो लोलिंग बताओगी, वो टू राजदीप के वो सिपाही बताओगे, भारतीय सेना के जनरल साहब बताएंगे वो आखिर टू राजदीप ने क्या काम किया था। भारतीय सेना ने जो काम किया वो गजब का है। मैं आज देश के कोने कोने में जाता हूं और यही बताता हूं कि यारो एक बार सेना की वर्दी पहन के शीशे के सामने खड़ा होकर देखना कितना मजा आता है।
कितना मजा आता है। और लड़ाई के अंदर हाथ हथियार में और दुश्मन सामने हो, ठोकरी में कितना मजा आता है। मैंने श्रीलंका के अंदर कई हेड शूट लिए, यहां तो ग्रेनेड से ठोके थे, लेकिन कई जगह उग्रवादी मारे थे। मेरे सक्सेना साहब मेरे कंपनी ट्वाइसी थे, मेजर विवेक गुप्ता साहब मेरे साथ में थे कुपवाड़ा में, तो उग्रवादी ऐसे दौड़ रहे थे, मैं उनका पीछा कर रहा था। सक्सेना मेजर गुप्ता साहब बोलता दिखे अंदर पीछा क्यों कर रहा है, मैं को इसकी स्पीड देख रहा हूँ सर कितना भागता है, मैं को पाकिस्तान तक कौन छोड़ू। और चार उग्रवादियों को दौड़ा दौड़ा के मारा कुपवाड़ा में। 24 साल पहले हमारे देश के वीरों ने किस प्रकार से वो इतिहास यहां रचा था, जिस 24 साल की विजय गाथा का गुणगान करने के लिए आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं, वो हमारे जो शहीद सैनिक हैं उनकी बदौलत हम आज यहां पे हैं। वो उनके परिवार जन आज यहां पे हैं, मैं नमन करता हूं उनको कि उन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए अपने प्राण निछावर किए। सबसे बड़े योगदान उन सबका था, और उसके बाद जो हमारे कमांडर्स रहे हैं उनकी प्लानिंग उनका तजर्बा हमारे काम आया है। मेरी नौकरी कोई ज्यादा नहीं थी, ना मैं फौज की एबीसी ज्यादा जानता था। हमने जो सीखा अपने सीनियरों से सीखा, और उनके जो गाइडलाइन थी उस पे चल के जो कुछ कर पाए बस वो किया था जो मेरा काम था। हमने कोई खास, हमने कोई अलग से कुछ नहीं किया था कि कुछ टास्क को पूरा करने के लिए जो कुछ हमारे कंपनी कमांडर प्लटून कमांडर्स के जो दिशा निर्देश थे उनके बलबूते पे हम आगे करते गए। कुछ सब प्लानिंग के ऊपर डिपेंड था कि हमारे जो कमांडर थे उनकी प्लानिंग किस प्रकार रही। अगर वो प्लानिंग सही से नहीं होती या जो रिक्वायरमेंट हमारी नहीं पूरी कर पाते टाइम से, तो शायद वो मुकाम आज हम हासिल नहीं कर पाते। तो इससे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा लीडरशिप है और जो हमारा ट्रेनिंग है जो आर्मी का, वो विश्व में बेहतर है और रहेगा। बाकी आप सबने देखा होगा पहाड़ियां जो यहां पे हैं, इन पे किस तरीके से हमारी सेना उस टाइम पे गई होगी, चढ़ी होगी ऊपर, और चढ़ने के बाद किस तरीके से लड़ाई लड़ी होगी, वो आप महसूस कर सकते हैं। यहां की हर पहाड़ी पे हमारे जो सैनिक जो शहीद हुए हैं वो उनके नाम पे हैं, और उनके बदौलत ही हम आज वहां पे बैठे हैं।